कान में हेडफोन लगा लो, कान में हेडफोन लगा लो, बिकॉज आज बड़े गुस्से में हूँ और आज बात करने वाला हूँ द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। बिकॉज रिसेंटली AEW कंपनी ने जो अपना खुद का कांड करवाया है ना, जो AEW कंपनी ने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, मैंने इतनी बदतर कंपनी, इतनी घटिया कंपनी अपने पूरी लाइफ में नहीं देखी, इसलिए कह रहा हूँ पूरी वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं, AEW कंपनी ने रिसेंटली, AEW कंपनी की हरकत क्या थी, सीएम पंक ने जब रिसेंटली एरियल हेलवानी के शो पर AEW कंपनी को एक्सपोज किया था, बैक स्टेज जो इनके ऊपर सेगमेंट हुआ था, सीएम पंक का लड़ाई क्या हुई थी, किस वजह से सीएम पंक को रिलीज करा गया था टोनी खान ने, आज उस वक्त सीएम पंक ने सारा कुछ रिवील कर दिया था, हम सबके भेजे में दिमाग में बात आ गई थी, भाई साहब इस कंपनी में किसी प्रकार की मैनेजमेंट नहीं है, ओनरशिप नहीं है, इस कंपनी का जो मालिक है टोनी खान वो दोस्ती यारी में पड़ रखा है, ये ब्रदरली लव बंदा है, यानी ये मालिक नहीं है, एक तरह से उनका दोस्त है, अपने जितने भी सुपरस्टार ये काम करते हैं रेसलर से उनका दोस्त बना बैठा है, ना कि उनका मालिक। तो समझ रहे हो किस तरीके का बैकस्टेज माहौल है AEW कंपनी के अंदर। सीएम पंक ने सब कुछ रिवील कर दिया था और मैंने आपको कहा था कि इसके जवाब AEW कंपनी कुछ ना कुछ तरीके से देगी, बिकॉज सीएम पंक ने AEW कंपनी को उड़ाकर रख दिया था, इनके पर कच्छे उड़ा दिए थे, इनकी ऐसी की तैसी कर दी थी, और दिस इज वाई AEW कंपनी के दो लंगूर हैं, दो छचुंदर हैं, ये मनुष्य हैं, इनकी शक्लें आप देख सकते हो, इन दोनों ने ये कुछ सेगमेंट करी थी कि भाई साहब हम AEW कंपनी के डायनामाइट के शो पर कुछ चीजें रिवील करने वाले हैं, यानी कि कुछ टेप, बैकस्टेज टेप जो कि ऑल इन के ऊपर हुई थी उसको रिवील करने वाले हैं। क्लियर सी बात है, इन लंगूरों और इन लंग क्या बोलूं इन्हें यार, इन लंगूरों ने सीएम पंक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि भाई साहब ये द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब आगे सुनो, आगे सुनो ये क्या करते हैं, ट्विटर पे ऊपर शुरू हो जाते हैं, भाई साहब हम टेप रोल करेंगे, हम रोल द टेप इतनी ज्यादा हाइप बना देते हैं कि फैंस AEW कंपनी को देखने एक्साइटेड होंगे, इनकी रेटिंग बढ़ जाएगी, अरीना पे क्राउड आएगा। तो दोस्तों होता क्या, आज AEW कंपनी का डायनामाइट शो होता है और ये दोनों लंगूर आते हैं और लंगूर ये बात करते हैं कि हम टेप को शुरू करने वाले हैं, और ये लंगूर वैसे तो कुछ बकवास करते हैं, किसी का भी उसमें इंटरेस्ट है नहीं, ना मैं इस घटिया कंपनी को देखता हूं, और ये लंगूर इस टेप को रोल करते हैं और आप इस टेप में देख सकते हैं कि सीएम पंक यहां पर आपको बैकस्टेज में दिखाई दे रहे होंगे जब उनका मैच था समोज हो गया अगेंस्ट ऑल इन के अंदर, और जब सीएम पंक बैकस्टेज पहुंच जाते हैं, और यहां की चीजें हम आपको बता दूं, यहां पर ये मरगिल्ला जैक पेरी, ये परकच्चा, ये स्किनी गाय यहां पर सीएम पंक के आड़े आ जाता है, और यहां पर सीएम पंक सिर्फ समझाने जाते हैं कि भाई साहब तूने क्या कह रहा तू मेरे बारे में, तू बैकस्टेज में क्यों मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, स्ट्रेटजी बना रहा है, मेरे खिलाफ लोगों को भटका रहा है, और ये बंदे ने कुछ ना कुछ सीएम पंक को जरूर कुछ ना कुछ बोला है। इसके बाद आप देख सकते हैं सीएम पंक ने इसको नॉकआउट किया, इसको चौकआउट करा, उसको लिटा लिटा के मारना शुरू कर दिया था, बिकॉज आपको पता है जब तक आप किसी बंदे को प्रोवोक नहीं करोगे, उसको गाली नहीं दोगे, उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, वो आपको छेड़ेगा भी नहीं। अगर आप सीएम पंक की जगह आप होते तो आप मुझे बताइए आप क्या करते, क्या करते आप बताइए मेरे को। सीएम पंक ने जो किया बिल्कुल सही किया, और ये मैं ट्वीट भी कर चुका हूं, और तमाम सीएम पंक के फैन हो और चाहे AEW कंपनी के बंदे हो, भाई साहब AEW कंपनी के अरीना के अंदर ना जब ये वीडियो चल रही थी, भाई साहब सीएम पंक के चैंट्स बज रहे थे, सोचो सीएम पंक जिस कंपनी को छोड़ के आ चुका है उस कंपनी में स्टिल सीएम पंक के इतने फैन थे कि वो सीएम पंक को चीयर कर रहे थे, सोचो ये बंदे का सीएम पंक का कितना बड़ा फैन फॉलोइंग है, कितना बड़ा सुपरस्टार है, कितना बड़ा ये प्रोफेशनल रेसलर है। AEW कंपनी को लग रहा था कि सीएम पंक का नाम लेंगे तो हमारी रेटिंग हाई हो जाएगी, भाई साहब रेटिंग तो हाई होगी तुम्हारी, बिकॉज वो छोटा मोटा बंदा नहीं है, तो तुम सबका सालो बाप है वो, और अपने बाप से गद्दारी करोगे तुम अपने। और टोनी खान ये टोनी खान इस बंदे के बारे में दोस्तों क्या बात करूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत प्रोफेशनल रेसलिंग देखी है, बहुत सारे लोग ऐसे रेसलिंग के अंदर देखे हैं जो जिन्होंने कंपनियां बनाई हैं, WCW बनाई है, ECW बनाई है, WWE कंपनी तो है ये WWF थी, इसके बाद TNA आई है, इम्पैक्ट, बहुत सी कंपनियां आई है भाई, लेकिन मैंने ये टोनी खान जैसा चू या समझ लो गैप डैप इसके जैसा बंदा मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। ये बंदा पागल है, ये घटिया इंसान है, ये छचुंदर के लेवल का, इसको कुछ नहीं पता रेसलिंग के बारे में दोस्तों, इसको कुछ नहीं पता, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, भाई साहब ये कंपनी का मालिक है, किसी एंगल से मालिक ही नहीं लगता, ये पहला कंपनी का ओनर है जो लगता ही नहीं है मालिक है भाई, कोई इसकी पर्सनैलिटी नहीं है, इसके सर पर मैगी जैसे बाल हैं, इसकी घंटा कोई पर्सनैलिटी है, सोचो यार क्या बोलूँ भाई मैं, आप
ये बंदे ने कैसे अलाउ कर दिया भाई साहब कि सीएम पंक के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो टेप करेंगे हम भाई साहब। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीएम पंक ने अटैक किया ना भाई साहब। एक बात बता, ऑल इन के बाद जब सीएम पंक ने ऑल इन में अटैक किया था तो उसके दो दिन बाद डायनामाइट था, तुमने वहां पर ये टेप क्यों नहीं दिखाई? मेरे को सिर्फ इसका जवाब दे दे टोनी खान, इसका जवाब दे दे मेरे को। तूने दो दिन बाद सीएम पंक को रिलीज करा शो पर, उसी वक्त उन्हें टेप क्यों नहीं दिखाई? मेरे को सिर्फ इतना बता दे क्यों नहीं दिखाई। बिकॉज पता था इनको कि सारी गलती उस जंगल बॉय की है, उस झाड़िए की है जिसने सीएम पंक को प्रवोक किया था, जिस वजह से सीएम पंक ने चौक किया इसको। ये सबको पता था, लेकिन फिर भी ये टुच्चे लोगों ने ये वीडियो टेप चलाई। इनको लग रहा है कि सीएम पंक को हेट मिलेगी। अबे वो बंदा कॉन्ट्रोवर्शियल है, सीएम पंक इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल मैन, और जो बंदा कॉन्ट्रोवर्शियल है ना वो सुपरस्टार है भाई, फैंस उसको जानते हैं कि वो बंदा सच बोलता है। और एरियल हेलवानी के शो पर सीएम पंक ने जितने भी खुलासे करे हैं कंपनी के बारे में, भाई साहब इस टेप को देखने के बाद अब क्लियर कट हो चुका है कि वो सीएम पंक ने सच बोला था, बिल्कुल सच्चाई है उसके अंदर। और जिन को लग रहा है जो YouTube पर एलीट के नाम से चैनल बनाकर रखा है उनको तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सालों लाला था तुम्हारे ऊपर, अभी भी तुम दलालबाजी से करने से हटने टोनी खान तुमको पैसे देता है क्या है सालो? इतने घटिया हरकत तुम कर रहे हो। टेप में साफ पता लग रहा है कि छछुंदर ने सीएम पंक को प्रवोक किया है, उसके बाद सीएम पंक ने अटैक किया है। अगर सीएम पंक को किसी को अटैक करने की आदत होती ना, वो डबड़ी कंपनियों पे अटैक कर चुका होता। लेकिन सीएम पंक का बैकस्टेज मोड इतना अच्छा है, बिकॉज क्लियर सी बात है, अगर सीएम पंक की जगह मैं भी होता ना, मैं भी उसकी सीएम पंक ने तो जरा सा मारा उसको, मैं तो भाई साहब उसकी क्या करता, मैं क्या बताऊँ तुमको। तो सोचो आप सीएम पंक की जगह खुद को रख के देखो, और अगर आप सीएम पंक को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हो कि सीएम पंक ने गलत किया, एक काम करो, आप सीएम पंक की जगह खुद को रखो, करो एक बार, बिकॉज वो बड़ा सुपरस्टार है भाई, वो कुछ भी कर सकता है, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। AW कंपनी अभी भी सदमा नहीं बुला पाई है सीएम पंक के जाने का, बिकॉज AW कंपनी को पता था सबसे बड़ी मिस्टेक उन्होंने करी है सीएम पंक को कंपनी से निकाल कर। लेकिन दोस्तों सीएम पंक को इन्होंने कंपनी से निकाला नहीं, इनकी क्या होगा था कि सीएम पंक जैसे सुपरस्टार को निकालेंगे, ये टोनी खान सीएम पंक के पैरों में पड़ जाएगा कि ना जो मेरी कंपनी को छोड़ करो, ऐसा किया भी है ठीक है ना। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब सीएम पंक को निकाला गया, सीएम पंक खुद इस कंपनी को छोड़ के गया भाई, सीएम पंक ने खुद कहा था, देख सकते हैं वीडियो में, सीएम पंक भागा था कि मैं जा रहा हूँ, आई एम लीविंग, और सीएम पंक ने ऐसा कहा भी था, समझ रहे हो। तो सीएम पंक जैसा बड़ा सुपरस्टार, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि सीएम पंक WWE कंपनी में वापस आ चुका है, जो कंपनी रियल में एग्जिस्ट करती है, जो कंपनी द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है, WWE इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। और मैं यहाँ पे डोरी कंपनी के फैन होने के नाते नहीं बोल रहा, बिकॉज ये वो कंपनी है जो रिस्पेक्ट करना जानती है, वो कंपनी है जो बैकस्टेज में माहौल अच्छा करती है। आपने कभी सुना कि डोरी कंपनी है बैकस्टेज माहौल अच्छा नहीं है, किसी ने किसी को कूट दिया? आज तक की हिस्ट्री में WWE कंपनी में बैकस्टेज में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है किसी सुपरस्टार के बीच में लड़ाई हुई हो, कोई ब्रोल हुआ हो, कभी भी नहीं हुआ है दोस्तों। और अगर वो हुआ भी होगा ना, छोटी मोटी चीज होगी, वो बाहर नहीं आई। लेकिन AW कंपनी इतनी घटिया कंपनी है, क्या बोलूं इसके बारे में यार। और सही कह रहा हूं भाई साहब, YouTube पर बहुत ब्लेमिंग है इस कंपनी के लिए, इस कंपनी की न्यूज को कवर नहीं करता। और सिर्फ मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं भाई साहब, आप ऐसी घटिया कंपनी के शोज क्यों देखते हो ऐसी घटिया कंपनी के शोज जिस अरीना के अंदर क्राउड नहीं है? सोचो सब यार, क्यों देखते हैं घटिया कंपनी के अंदर? और अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाने वाला हूं, आपको शर्म आ जाएगी भाई साहब, ये कंपनी कर क्या रही है? ये देखिए ये चुम्मा चाटी करवा रही है कंपनी। सोचो ये लेस्बियन सीन दिखा रही है भाई साहब, अब बच्चे इस कंपनी को देखेंगे बताओ? जहाँ WWE कंपनी भाई साहब एक शब्द भी अपशब्द नहीं बोलती माइक के ऊपर, अगर वो अपशब्द बोले भी जाते हैं तो उनको म्यूट कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये कंपनी गंदी कंपनी देखो क्या कर रही है, इस तरह की हरकतें करवा रही है भाई साहब। ये चीज़ें अगर आप US की ऑडियंस के लिए करवा रहे हो तो सही है भाई साहब, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका काम वर्ल्ड वाइड चल जाएगा, इंडिया में चल जाएगा, तो भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला। ऐसी घटिया चीज़ों को आप प्रोफेशनल रेसलिंग कह रहे हो? ये प्रोफेशनल रेसलिंग नहीं है भाई साहब, ये मैं बोलना नहीं चाहता भाई साहब, समझ रहे हो, कुछ कम्युनिटी का चक्कर पड़ जाएगा, नहीं तो मैं अनस्क्रिप्टेड जाऊंगा इस चीज के ऊपर, समझ रहे हो। ये गंदी चीजें दिखा रही है कंपनी, सोचो, और इतनी घटिया चीजें कंपनी प्रेजेंट कर रही है कि इस पे बच्चों का क्या असर पड़ेगा यार, अगर बच्चे इस कंपनी को देख लेंगे भाई। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप इस घटिया कंपनी के शोज को देखना बंद करिए। अगर आप इस कंपनी के फैन भी हैं भाई साहब, आंखें खोल लीजिए, अपनी आंखें खोल लीजिए, समझ लो,
एक कंपनी को देखने में कोई फायदा नहीं है। और ये कंपनी ज्यादा समझ रहे हो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये कंपनी वाहियत कंपनी है पूरे वर्ल्ड की, और ये कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। सो दोस्तों सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, और आज की वीडियो में तक मिलते हैं, एंड सी यू टुमारो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग, थैंक यू वेरी मच।